नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पावन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। होली के शुभ मौके पे आप सभी को होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली, होली मुबारक। आज के इस लेसन में देखेंगे गिटार कॉर्ड्स स्ट्रमिंग पैटर्न, फिल्म सिलसिला से ये बहुत ही पॉपुलर गाना है, रंग बरसे भीगे चुनरिया ली। इसे गाया था अमिताभ बच्चन जी ने, इसका म्यूजिक दिया था शिव और हरी जी ने और इसे लिखा था हरिवंश राय जी बच्चन जी ने। बहुत ही पॉपुलर गाना था अपने समय का और होली के मौके पे सभी इस गाने को गाते हैं, पसंद करते हैं। तो इस गाने में जो पैटर्न है ये एक ढोलक का पैटर्न है, मैंने कुछ लेसन्स में ये पैटर्न दिखाया है और आज फिर दिखाने की कोशिश करूँगा। आप इस पैटर्न को अगर बजा सकें तो बहुत से गानों के साथ आप स्ट्रम कर सकेंगे जिनमें ढोलक का रिदम यूज़ किया गया है। कॉर्ड्स बड़े ही सिंपल हैं, मैं बीट को बनाए रखने के लिए बार कॉर्ड्स में बजाऊंगा। डी माइनर में है तो आप चाहे तो ओपन में भी बजा सकते हैं। इस गाने के स्केल में खासियत है कि ये डी माइनर और डी मेजर के बीच में गाने में काफ़ी बार खेल होता है, तो आप देखेंगे कि कैसे गाने में डी माइनर से हम डी मेजर में चले जाते हैं और वापस डी माइनर में चले आते हैं। तो मैं आपको लेसन के एंड में सारे कॉर्ड ज़रूर दिखाऊंगा और स्ट्रमिंग पैटर्न में डिटेल में समझाऊंगा। मैंने गाने का जो इंट्रो म्यूजिक है उसमें जो ढोलक पैटर्न यूज़ किया गया है वो भी उसी स्टाइल से बजाया है जैसे रिदम है, तो पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं समझाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। गाने के सारे लिरिक्स और कॉर्ड्स गाने के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं और आज का लेसन में मेरा साथ दिया है हारमोनिका यानी मौत आंगन पर अनुराग गंगवार जी। तो आइए देखते हैं रंग बरसे। तो आइए देखते हैं गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स यूज किए गए हैं। गाना डी माइनर में है, अगर आप बार कॉर्ड्स में बजाएं तो डी माइनर, जी मेजर, ए सेवन, आप चाहें तो ए सेवन की जगह ए भी बजा सकते हैं और कई जगह जो है डी माइनर की जगह हमने डी मेजर भी बजाया है। अगर आप ओपन कॉर्ड्स में बजाना चाहें तो डी माइनर, जी मेजर, ए सेवन, आप चाहें तो ए मेजर भी बजा सकते हैं और इसके अलावा हमने डी मेजर भी यूज किया है। तो आइए स्ट्रमिंग पैटर्न भी देख लें, मैंने इस तरह से ट्रैक के साथ बजाया है। मैं इसको धीरे धीरे बजा के दिखाता हूं।
ये एक 8-बीट पैटर्न है, इसमें आपको स्ट्रोक्स 1 और 7 बेस नोट्स पे बजाने हैं, और जो फोर्थ स्ट्रोक है वो एक आप स्ट्रोक पे आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। मैं आपको धीरे धीरे बजा के दिखाता हूँ। गाने का जो इंट्रो म्यूजिक है उसमें ढोलक के कई पैटर्न्स हैं, और मैंने उन पैटर्न्स को मैच करने के लिए अलग अलग तरह से स्ट्रमिंग किया है। तो मैं आपको सारे स्ट्रमिंग पैटर्न्स तो आज इस लेसन में नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एक पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप इसको सीख सकें तो आप इसे बहुत से गानों में यूज़ कर सकेंगे, खास करके जहाँ पर ढोलक यूज़ किया गया है, और मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, आप देखें। तो इंट्रो म्यूजिक इस तरह से शुरू होता है। तो इस टेक्निक को राजगीवर टेक्निक बोलते हैं, ये फ्लेमेंको म्यूजिक में यूज होता है, और इसको बजाने के कई तरीके होते हैं। मैंने उनमें से एक तरीका अपनाया है जो कि खास करके आप ढोलक पैटर्न्स में यूज कर सके। तो मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या किया है। तो मान लीजिए आपको एक एक बीट पैटर्न बजाना है इस तरह से, और इसी पैटर्न को आपको थोड़ा फास्ट बजाना है। तो आप इसको अगर आप डबल कर दें तो ये यूं बजेगा। तो आप इसी पैटर्न को अगर आप और फास्ट करना चाहें तो इसको फास्ट करने का एक तरीका है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। उसमें आप अपने उंगलियों के साथ अपने आप अंगूठे यानी कि थंब को भी यूज करेंगे, और आपको यूं बजाना है। मैं आपको पहले धीरे धीरे दिखाता हूं। और इसी को अगर आप और फास्ट करते जाएं तो ये यूं बजेगा। यानी कि शुरुआत वाले जो म्यूजिक है हम फिर बजा के देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको लेसन पसंद आया। फिर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं, होली मुबारक, हैप्पी होली। हमेशा की तरह अपने कमेंट्स और सवाल मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं। शुक्रिया।